के साथ अपना समर्थन जताते हुए इस रैली पर नजर आ रहे हैं। और जो सबसे अहम बात है वो ये कि अब तेजी से कुछ और समर्थक जुड़ते भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शिवेंदु अधिकारी जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके पिता शिशिर अधिकारी भी अब खुलकर अपने बेटे और बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में उतर आए। इसके साथ ही शिशिर अधिकारी ने अब ममता बनर्जी की चोट पर भी सवाल खड़े किए हैं और चुनाव में जीत के लिए झूठ बोलने का तक आरोप लगा दिया है। शिशिर अधिकारी बंगाल की कांदी संसदीय सीट से टीएमसी के सांसद हैं इस वक्त, लेकिन बेटे शिवेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही ममता के लिए उनके सुर बदलते हुए दिखाई दिए और ममता बनर्जी के बीजेपी पर हमला करने के आरोपों को भी शिशिर अधिकारी ने सिरे से खारिज कर दिया है। शिशिर अधिकारी आज पीएम की रैली में भी मौजूद रह सकते हैं और यह एक बड़ी अहम घटना होगी। कभी नीचे में से कापड़ उठा के बैंडेज बांध के इसमें घूमता है, शर्म नहीं है? आई रेस्पेक्टिंग लाइक माई ओन सिस्टर टुडे आई हैव बीन सो मच शॉक्ड एंड हार्टेड। कहाँ जाता है आदमी पॉलिटिक्स करने के लिए, जीतने के लिए, इतना सारे फॉल्स अटैक्स तो बीजेपी लोग ने हमको अटैक किया है। वो तो लड़का लोग जानता है, हम नहीं जानता है। हम आई विल सपोर्ट माई सन एंड आई इफ दे कॉल मी टुडे आदमी लोग बोलता है जो मोदी का मीटिंग में जाने का, हम जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। लड़का का तो हित में हमको लड़ना ही पड़ेगा। तो अगर वो कहते हैं आप ज्वाइन करें बीजेपी तो आप जाएंगे? वो जब बोलने से हम ज्वाइन कर जाएगा, क्या बात रही है। बड़ा बयान शिशिर अधिकारी का, टीएमसी के वो सांसद हैं लेकिन बेटे शिवेंदु के पक्ष में आज वो रैली भी करेंगे और प्रधानमंत्री के मंच पर मौजूद रहेंगे। अमित हमारे सहयोगी लगातार उसी जगह मौजूद है पुरुलिया में जहां प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं ऐसे में जब टीएमसी सांसद खुद प्रधानमंत्री के मंच पर मौजूद रहेंगे और जो उनके बेटे बीजेपी में शामिल हो गए शिवेंदु, उनके लिए प्रचार भी करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, आज पहली बार ऐसा होगा कि जब शिशिर अधिकारी जो है वो प्रधानमंत्री के मंच पर होंगे, टीएमसी सांसद जो हैं वो आज बीजेपी के मंच पर होंगे। आज ये पहली बार होगा इस तरह से। इससे पहले जो है एक बार शिशिर अधिकारी की तस्वीरें सामने आई थी जब वो हुगली के सांसद लॉकेट चटर्जी से मुलाकात कर रहे थे। वो एक कुर्सी पर बैठे हुए थे, लॉकेट चटर्जी एक सोफा पर बैठी हुई थी। अभी हाल ही में 4-5 दिनों पहले की यह तस्वीर थी। मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, आप वहाँ पर तस्वीर देखिए। यही वो मंच है जिस पर जो शिशिर अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और जिस तरीके से शिशिर अधिकारी ने कहा है कि उन्हें अपने बेटे के पक्ष में लोगों से वोट मांगना ही पड़ेगा और टीएमसी से नाराजगी जो शिशिर अधिकारी का बहुत पहले झलक गया था जब शिवेंदु अधिकारी ने टीएमसी ज्वाइन किया था और उसके बाद शिशिर अधिकारी ने एक बयान दिया था और कहा था कि शिवेंदु के बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद उनसे अब कोई टीएमसी का नेता संपर्क नहीं रख रहा है। यानी उसी समय साफ हो गया था कि शिवेंदु अधिकारी के बाद उनके जो उनके पिता हैं शिशिर अधिकारी वो भी बीजेपी का रुख करेंगे क्योंकि टीएमसी में वो तरजीह उनको नहीं दी जा रही थी जो पहले दी जा रही थी। एक बार यहाँ तस्वीरें देखिए, यहाँ के लोगों से हम बात कर लेते हैं कि वो किस तरीके से कहते हैं। शिशिर अधिकारी भी आज यहाँ मौजूद रह सकते हैं, टीएमसी के सांसद शिशिर अधिकारी, शिवेंदु अधिकारी के जो फादर हैं वो पीएम मोदी के साथ यहाँ स्टेज शेयर कर सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? हम लोग एक परिवर्तन की तरफ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक परिवर्तन होने जा रहा है क्योंकि इस तरह जो नरेंद्र मोदी जी की इतनी क्रेज है ये बंगाल में ये देखने को मिल रहा है, ये विशाल जन सैलाब हम लोग बहुत कम देखते हैं। क्रेज की बात हो रही है, मैं प्रशांत जो आपको बातें कर रहा था मैं तस्वीर यहाँ पर दिखा दूँ। देखिए लोग किस तरीके से अभी लोग इस ग्राउंड के बाहर सिक्योरिटी चेक करवा रहे थे, अब देखिए यहाँ पर इस गैलरी में पूरी तरीके से लोग जो हैं उन्हें बैठने का जगह नहीं मिल रहा है। लोग हर कोई आगे की रो में बैठना चाहता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो देखना चाहते हैं, कोई LED स्क्रीन पर नहीं देखना चाहता और इस वजह से जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर हर कोई आके फर्स्ट रो में बैठना चाहता है। और जो भी लोग इस अब ग्राउंड में दाखिल हो रहे हैं वो केवल जय श्री राम के नारे के साथ यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं हर कोई। और इस तरीके से लोग जो है, गर्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा है इस वजह से लोग हाथों में पानी का पाउच के साथ यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं और उन्हें मालूम है कि एक बार इस ग्राउंड में दाखिल हो गए तो ये निकल नहीं पाएंगे क्योंकि आज का जो तस्वीर होगा प्रधानमंत्री मोदी तो स्टेज पे होंगे ही होंगे, साथ में होंगे टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी। और शिशिर अधिकारी ने साफ कर दिया है कि वो अपने बेटे के पक्ष में वोट मांगेंगे, नंदीग्राम में वो जाएंगे, वहां पर नंदीग्राम हो, काती हो, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर में जो अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है, शिवेंदु अधिकारी
अधिकारी, देवेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी, ये जो अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है, जाहिर तौर पर इसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों बाद बीजेपी को मिलने वाला है जी। और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है, अभूतपूर्व भी, कि टीएमसी के